बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। अरबों खरबों दुरूदो सलाम खातमुन नबीयीन सैयदना हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वलैहि वसल्लम पर, उनकी औलाद, उनकी आल पर अल्लाह ताला मग़फ़रत फरमाए, आपकी, मेरी, सारी उम्मत के मुसलमानों की, आमीन। दोस्तों, बहुत से लोग हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत अम्मा हवा अलैहिस्सलाम के मुतालिक सवाल करते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा अलैहिस्सलाम से पहले दुनिया में क्या था और ये दुनिया कैसे वजूद में आई। लिहाजा आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से भी पहले इस दुनिया में कौन से पैगंबर आए थे, यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा अलैहिस्सलाम से पहले दुनिया में क्या था और ये दुनिया कैसे वजूद में आई और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से ज़मीन पर कहाँ उतरे थे। ये सब आपको बताएंगे, बल्कि वीडियो में आप ये भी जानेंगे कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक मिट्टी से क्यों हुई और वो मिट्टी कहाँ से लाई गई थी और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने दुनिया में ज़िंदगी कैसे गुजारी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से क्या लेकर आए थे और इस वीडियो के आखिर में आपको ये भी बताएंगे कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात कब और कैसे हुई। दोस्तों, सबसे पहले यहाँ ये जान लीजिए कि मज़हबी कुतुब और मुख्तलिफ माहिरीन और साइंसदानों ने थ्योरीज दी हैं जिनके मुताबिक ज़मीन पर आदम अलैहिस्सलाम को उतारने से पहले शैतान को फेंका गया, यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक के बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में भेजा गया और फरिश्तों को उन्हें सजदा करने का हुक्म दिया गया, जिस पर शैतान ने इनकार कर दिया। इस वजह से इब्लीस को जन्नत से निकालकर ज़मीन पर फेंक दिया गया, जहां हज़ारों साल ये रोता रहा और फिर उसने अल्लाह से क़यामत तक मोहलत लेकर औलाद आदम को राह रास्त से भटकाने की कसम उठाई। इब्लीस चूंकि एक जिन था और आग से बना हुआ था, इसलिए कयास किया जाता है कि ज़मीन पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पहले जिन्नात मौजूद थे। जिन्नात के फितना और फसाद की वजह से अल्लाह के हुक्म से फरिश्तों की फ़ौज भेजकर उनको ख़त्म किया गया और बचे हुए जिनों का बसेरा जजीरे और समंदर हो गए। साइंसदानों का कहना है कि आदम अलैहिस्सलाम से पहले ज़मीन पर डायनासोर आबाद थे। इंसानों की आबादी के बाद उनकी नस्लें ख़त्म होने लगीं। कुछ माहिरीन के मुताबिक आदम अलैहिस्सलाम से पहले इस ज़मीन पर इंसानों जैसी मखलूक़ात मौजूद थीं जिनकी कुछ बाकियात और ढांचे मिले हैं, जिस पर यह ख्याल किया जाता है कि आदम अलैहिस्सलाम से पहले भी ज़मीन पर इंसान मौजूद थे जो बाकी उम्मतों की तरह ख़त्म हो गए या कर दिए गए। कुछ लोगों के मुताबिक ज़मीन खिलाई मखलूक़ात का मरकज था। सूरह हूद की आयत नंबर 27 में बयान किया गया है, वही है जिसने ज़मीन और आसमान को 6 दिन में पैदा किया और उस वक्त उसका अर्श पानी पर था। इस आयत के मुताबिक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पहले ज़मीन पर सिर्फ पानी मौजूद था, किसी भी मखलूक की तरफ इशारा नहीं किया गया। इससे मुतल्लिक हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लोगों ने सवाल किया कि आसमानों और ज़मीन के पैदा करने से पहले क्या था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह के सिवा कुछ भी ना था, न उसके ऊपर हवा थी, न उसके नीचे हवा थी, मतलब ये कि कुछ ना था। फिर उसने पानी पर अपना अर्श पैदा किया, गोया ये थी मखलूक की इब्तदा। बुखारी शरीफ में बयान है कि एक बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास यमन से एक वफद आया और कहा कि हमें आपसे इल्म लेना है, आप हमें बताएं कि इस ज़मीन पर आदम अलैहिस्सलाम से पहले क्या था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुछ नहीं, सिर्फ अल्लाह था और अर्श पानी पर था और लोहे महफूज में कलम से सब लिख कर महफूज कर दिया गया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे कि बिला शुबा अल्लाह ने सबसे पहले कलम को पैदा किया, फिर अल्लाह ने उसको हुक्म दिया कि लिख, चुनाचे वो उसी वक्त चल पड़ा और क़यामत के दिन तक होने वाली हर चीज़ लिखी गई। यह अल्लाह ताला का इल्म था जिसको कलम ने उसके हुक्म के मुताबिक लोहे महफूज पर लिखा। हज़रत सईदना अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि मैंने सुना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे कि अल्लाह ने आसमानों और ज़मीन की पैदाइश से 50,000 साल पहले तमाम मखलूक़ात की तकदीरों को लिख दिया और उस वक्त उसका अर्श पानी पर था। इस हदीस मुबारक से ये बात वाज़ेह हो गई कि सबसे पहले पानी, फिर पानी पर अर्श की तख्लीक हुई, फिर कलम के फौरन बाद लोहे महफूज को पैदा किया गया जिस पर सब कुछ जो क़यामत तक होने वाला था लिख दिया गया, फिर कायनात के बाकी मखलूक़ात आसमान व ज़मीन की पैदाइश वजूद में आती गई। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुनिया में चीज़ों के वजूद में आने की तरतीब पूछी गई तो उन्होंने मेरा हाथ थामा और कहा कि अल्लाह ने जब ये दुनिया बनाई तो उनकी तरतीब कुछ यूं थी, हफ्ते वाले दिन मिट्टी पैदा की तो इतवार को पहाड़, पीर को दरख्त, मंगल को तकालीफ, बीमारियां, मसाइल, बुध को नूर, जुमेरात को चौपाई इस ज़मीन पर फैला दिए
और जुमे के मुबारक दिन असर से रात के दरमियान आदम अलैहि सलाम को पैदा किया था। इस हदीस मुबारका से पता चलता है कि इब्तदाई मखलूकात की तरतीब क्या थी। उनमें सबसे आखिरी नंबर हज़रत आदम अलैहि सलाम का था, जबकि आदम अलैहि सलाम नस्ल इंसानी में सबसे पहले और तमाम इंसानों के बाप हैं, जबकि इंसानों से पहले फरिश्ते और जिन पैदा हो चुके थे। साहिब अकल मखलूकात में सबसे पहला नंबर फरिश्तों का, दूसरा नंबर जिनों का और आखिरी नंबर इंसानों का है। फरिश्तों की तख्लीक के बाद जिनों को भी इंसान से पहले पैदा किया गया था, जैसा कि अल्लाह पाक सूरह अल हजर आयत नंबर 27 में इरशाद फरमाते हैं, और इससे पहले जिन्नात को हमने लू वाली आग से पैदा किया। जिन्नात के बारे में हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से 2000 साल पहले जिन्नात पैदा किए गए। वो हमारी इस ज़मीन पर आबाद थे, मगर आहिस्ता आहिस्ता वो फितना फसाद में मुबतला हो गए, और वो जब हद से आगे बढ़ गए और ना हक खून बहाने लगे, तो अल्लाह ने उनकी तरफ फरिश्तों का एक अजीम लश्कर भेजा, जिससे जिन्नात के ज़बरदस्त मार्का आराई हुई। इस मार्का आराई में फरिश्तों ने जिन्नात को तहस नहस कर दिया, और वो पनाह लेने के लिए समंदर के जजीरों, जंगलात और पहाड़ों पर चले गए। उनको ज़मीन के हर हिस्से से निकाल दिया गया। चुनाचे आज तक उनके रहने की जगह यही जजीरे, जंगलात और पहाड़ हैं। इस तरह ये दुनिया वजूद में आई और आदम अलैहिस्सलाम ज़मीन पर आए, और इसके बाद इंसानों की नस्लें चलीं। दोस्तों, यहाँ ये भी जान लीजिए कि आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक मट्टी से क्यों हुई और वो मट्टी कहाँ से लाई गई। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की ना माँ हैं ना बाप, बल्कि अल्लाह ताला ने उनको मट्टी से बनाया है। चुनाचे रिवायत है कि जब अल्लाह ने आपको पैदा करने का इरादा फरमाया, तो हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि ज़मीन से एक मुट्ठी मट्टी लाएं। अल्लाह के हुक्म के मुताबिक हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने आसमान से उतर कर ज़मीन से एक मुट्ठी मट्टी उठाई, तो पूरी रूए ज़मीन की ऊपरी परत छिलके की मानिंद उतर कर आपकी मुट्ठी में आ गई, जिसमें 60 रंगों और मुख्तलिफ कैफियतों वाली मट्टियाँ थीं, यानी सफ़ेद व स्याह और सुर्ख व जर्द रंग वाली, नरम व सख्त, शीरी व तलख, नमकीन व फीकी वगैरह कैफियतों वाली मिट्टियाँ शामिल थीं। फिर उस मिट्टी को मुख्तलिफ पानियों से गूंदने का हुक्म फरमाया। चुनाचे एक मुद्दत के बाद ये चिपकने वाली बन गई, फिर एक मुद्दत तक ये गूंधी गई तो कीचड़ की तरह बूदार गारा बन गई, फिर यह खुश होकर खनखनाती और बजती हुई मट्टी बन गई। फिर इस मट्टी से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का पुतला बनाकर जन्नत के दरवाजे पर रख दिया गया, जिसको देख देख कर फरिश्तों की जमात ताज्जुब करती थी, क्योंकि फरिश्तों ने ऐसी शक्लो सूरत की कोई मखलूक कभी देखी ही नहीं थी। फिर अल्लाह ताला ने उस पुतले में रूह को दाखिल होने का हुक्म फरमाया। चुनाचे रूह दाखिल होकर जब आपके नथनों में पहुंची, तो आपको छींक आई, और जब रूह जुबान तक पहुँच गई तो आपने अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा, और अल्लाह ताला ने फरमाया, यरहमुकुल्लाह, यानी अल्लाह ताला तुम पर रहमत फरमाए। अबू मोहम्मद यानी आदम, मैंने तुमको अपनी हमद ही के लिए बनाया है। फिर रफ्ता रफ्ता पूरे बदन में रूह पहुंच गई और आप जिंदा होकर उठ खड़े हुए। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को चार अजीम शर्फ और मर्तबे अता फरमाए। नंबर एक, अपने हाथ से पैदा फरमाया। नंबर दो, रूह फूंकी। नंबर तीन, फरिश्तों को सजदा करने का हुक्म फरमाया। नंबर चार, अशिया के नामों के इल्म से सरफराज फरमाया। दोस्तों, मज़ाहिब की कदीम किताबों में ये भी लिखा है कि इबलीस यानी शैतान जिन था, और अल्लाह ताला ने उसकी इबादत के बायस उसे फरिश्तों में शामिल कर लिया था और उसे उनका सरदार बना दिया था। उसके बाद उसकी रियाजत का सिलसिला जारी रहा। इस कायनात का कोई ऐसा चप्पा या कोई ऐसा टुकड़ा नहीं था जिस पर इबलीस ने सजदा ना किया हो। ये उन सजदों, उन रियाजतों, उन इबादत का नतीजा था कि अल्लाह ताला ने इबलीस को फरिश्तों का सरदार बनाया। लेकिन फिर शैतान गरूर का शिकार हो गया। उसने मट्टी के पुतले यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से इनकार कर दिया। जब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को बनाया, मट्टी से बनाया, तो सबको कहा कि इनको सजदा किया जाए। लेकिन इबलीस के अंदर एक गरूर था। उसने कहा कि मैं आग से बना हूँ, ये मट्टी से बना है, मैं इसे क्यों सजदा करूँ। उसने सजदा करने से इनकार कर दिया, और यहाँ से खैर और शर की ताकतों के दरमियान जंग का आगाज हो गया। कदीम साहिफ ने लिखा है कि जब शैतान को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सरदा करने का हुक्म दिया गया, तो उसने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पर हकारत से थूक दिया था। शैतान का थूक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पेट पर गिरा था, और उसके बाद अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को थूक वाली मट्टी निकालने का हुक्म दे दिया। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने यह मट्टी निकाली तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पेट पर एक छोटा सा सुराख बन गया।
ये सुराख नाव की शक्ल में आज भी हमारे पेट पर मौजूद है। अल्लाह ताला ने इस नाव की मट्टी से जिस पर शैतान ने थूका था उससे कुत्ते को बनाया था। दोस्तों, कुत्ते की तख्लीक के मुतल्लिक दूसरी रिवायत ये भी मिलती है कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत अम्मा हवा अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व ताला ने ज़मीन पर भेजा तो शैतान ने ज़मीनी दरिंदों को वरगलाया कि वो इन दोनों को खा जाएं। तो तब अल्लाह तबारक व ताला ने कुत्ते को पैदा किया जिसने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत अम्मा अलैहिस्सलाम की इन दरिंदों से हिफाजत फरमाई। यानी कुत्ते की पैदाइश हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर भेजने के फ़ौरन बाद अल्लाह तबारक व ताला ने फरमाई। बरल दोस्तों, एक हदीस में नकल किया गया कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का पुतला जिस मिट्टी से बनाया गया, चूँकि वो मुख्तलिफ रंगों और मुख्तलिफ कैफियतों की मिट्टियों का मजमूआ थी, इसलिए आपकी औलाद यानी इंसानों में मुख्तलिफ रंगों और किस्म किस्म के मिजाजों वाले लोग हैं। हज़रत अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को एक मुट्ठी खाक से पैदा फरमाया। ये मिट्टी तमाम रुए ज़मीन से हासिल की गई थी। यही वजह है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल में मुख्तलिफ रंगो ज़ुबान के लोग पाए जाते हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की कुनियत अबू मोहम्मद या अबुल बशर और आपका लकब खलीफतुल्लाह है और आप सबसे पहले अल्लाह ताला के नबी हैं। आपने 960 बरस की उम्र पाई और बवक्ते वफात आपकी औलाद की तादाद 1,00,000 हो चुकी थी, जिन्होंने तरह तरह की सनतों और अमारतों से ज़मीन को आबाद किया। कुरान मजीद में बार बार इस मजमून का बयान है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक मट्टी से हुई। चुनाचे सूरह आल इमरान में इरशाद फरमाया कि ईसा की कहावत अल्लाह के नज़दीक एक आदम की तरह है, उसे मट्टी से बनाया फिर फरमाया हो जा, वो फौरन हो जाता है। दूसरी आयत में इस तरह फरमाया कि बेशक हमने उनको चिपकती मट्टी से बनाया। कहीं ये फरमाया कि और बेशक हमने आदम को बजती हुई मट्टी से बनाया, जो असल में एक स्याह बूदार गारा थी। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बहिश्त में रहने का हुक्म दिया तो आप जन्नत में तन्हाई की वजह से कुछ मलूल हुए तो अल्लाह ताला ने आप पर नींद का गलबा फरमाया और आप गहरी नींद सो गए। तो नींद ही की हालत में आपकी बाएं पसली से अल्लाह ताला ने हज़रत हवा अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया। जब आप नींद से बेदार हुए तो ये देखकर हैरान रह गए कि एक नहायत ही खूबसूरत और हसीनो जमील औरत आपके पास बैठी हुई है। आपने उनसे फरमाया कि तुम कौन हो और किस लिए यहाँ आई हो? तो हज़रत हवा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि मैं आपकी बीवी हूँ और अल्लाह ताला ने मुझे इसलिए पैदा फरमाया है ताकि आपको मुझसे उन्स और सुकून कलब हासिल हो और मुझे आपसे उनसियत और तस्कीन मिले और हम दोनों एक दूसरे से मिलकर खुश रहें और प्यारों मोहब्बत के साथ ज़िंदगी बसर करें और अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करते रहें। कुरान मजीद में एक मकाम पर अल्लाह ताला ने हज़रत हवा अलैहिस्सलाम के बारे में इरशाद फरमाया और उसी में से उसका जोड़ा बनाया और उन दोनों से बहुत मर्द व औरत फैला दिए। हज़रत आदम व हवा अलैहिस्सलाम की तख्लीक का वाक़िया मज़ामीन कुरान मजीद के इन अजाबात में से है जिसके दामन में बड़ी बड़ी इबरतों और नसीहतों के गौहर आबदार के अंबार पोशीदा हैं, जिनमें से चंद ये हैं। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को मट्टी से बनाया और हज़रत हवा अलैहिस्सलाम को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पसली से पैदा फरमाया। कुरान के इस फरमान से ये हकीकत आयां होती है कि अल्लाह पाक ने इंसानों को चार तरीक़ों से पैदा फरमाया है। अव्वल ये कि मर्द औरत दोनों के मिलाप से, जैसा कि आम तौर पर इंसानों की पैदाइश होती है। चुनाचे कुरान मजीद में साफ साफ ऐलान है कि बेशक हमने आदमी को पैदा किया मिली हुई मनी से। दोम ये कि तन्हा मर्द से एक इंसान पैदा हुआ और वो हज़रत हवा अलैहिस्सलाम हैं कि अल्लाह ताला ने उनको हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की बाएं पसली से पैदा फरमा दिया। और तीसरा ये कि तन्हा एक औरत से एक इंसान पैदा हुआ और वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हैं जो कि पाक दामन कमारी बीबी मरियम अलैहिस्सलाम के शिकम से बग़ैर बाप के पैदा हुए। और चौथा ये कि बग़ैर मर्द औरत के भी एक इंसान को अल्लाह ताला ने पैदा फरमा दिया और वो इंसान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हैं कि अल्लाह ताला ने उनको मट्टी से बना दिया। इन वाक़यात से चंद असबाक की तरफ रहनुमाई होती है। नंबर एक, अल्लाह पाक ऐसा कादिर व क़य्यूम और खल्लाक है कि इंसानों को किसी ख़ास एक ही तरीके से पैदा फरमाने का पाबंद नहीं है, बल्कि वो ऐसी अजीम कुदरत वाला है कि वो जिस तरह चाहे इंसानों को पैदा फरमा दे। चुनाचे इन चार तरीक़ों से उसने इंसानों को पैदा फरमाया जो उसकी कुदरत व हिकमत और उसकी अजीम व शान खल्लाकियत का निशान आज़म है। सुबहानअल्लाह, अल्लाह ताला की शान खालकियत की अजमत का क्या कहना।
जिस खला के आलम ने कुर्सी अर्श और लौहो कलम और ज़मीन व आसमान को कुन फरमाकर मौजूद फरमा दिया, उसकी कुदरत कामिला और हिकमत बालगा के हजूर खलकत इंसानी की भला हकीकत व हैसियत ही क्या है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि तख्लीक इंसान इस कादर मुतलक का वो तख्लीकी शाहकार है कि कायनात आलम में उसकी कोई मिसाल नहीं, क्योंकि वजूद इंसान आलम खलक की तमाम मखलूकात के नमूनों का एक जाम मुरक्का है। अल्लाहु अकबर, क्या खूब इरशाद फरमाया हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कि ऐ इंसान, क्या तू ये गुमान करता है तू के एक छोटा सा जिस्म है, हालांकि तेरी अजमत का ये हाल है कि तेरे अंदर आलम अकबर सिमटा हुआ है। मुमकिन था कि कोई मर्द ये ख्याल करता कि अगर हम मर्दों की जमात ना होती तो तन्हा औरतों से कोई इंसान पैदा नहीं हो सकता था। इसी तरह मुमकिन था कि औरतों को ये गुमान होता कि अगर हम ना होती तो तन्हा मर्दों से कोई इंसान पैदा ना होता। इसी तरह मुमकिन था कि औरत और मर्द दोनों मिलकर ये नाज करते कि अगर हम मर्दों और औरतों का वजूद ना होता तो कोई इंसान पैदा नहीं हो सकता था। तो अल्लाह ताला ने चारों तरीकों से इंसान को पैदा फरमाकर औरतों और मर्दों दोनों का मुंह बंद कर दिया कि देख लो हम ऐसे कादिर कयूम हैं कि हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को तन्हा मर्द यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पसली से पैदा फरमा दिया। लिहाजा ऐ औरतों, तुम ये गुमान मत रखो कि अगर औरतें ना होतीं तो कोई इंसान पैदा ना होता। इसी तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को तन्हा औरत के शिकम से बग़ैर मर्द के पैदा फरमा कर मर्दों को तंबीह फरमा दी कि ऐ मर्दों, तुम ये नाज ना करो कि अगर तुम ना होते तो इंसानों की पैदाइश नहीं हो सकती थी। देख लो हमने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को तन्हा औरत के शिकम से बग़ैर मर्द के पैदा फरमा दिया और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बग़ैर मर्द और औरत के मट्टी से पैदा फरमा कर औरतों और मर्दों का मुंह बंद फरमा दिया कि ऐ औरतों और मर्दों, तुम कभी भी अपने दिल में ख्याल ना लाना कि अगर हम दोनों ना होते तो इंसानों की जमात पैदा नहीं हो सकती थी। देख लो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ना बाप हैं ना माँ, बल्कि हमने उनको मट्टी से पैदा फरमा दिया। सुभान अल्लाह, सच फरमाया अल्लाह ने कि अल्लाह हर चीज़ का बनाने वाला है और वो अकेला सब पर गालिब है और जिसको चाहे और जैसे चाहे और जब चाहे पैदा फरमा देता है। उसके अफ़ाल और उसकी कुदरत किसी असबाबो अलल और किसी ख़ास तौर तरीक़ों की बंदिशों की मोहताज नहीं है। चुनाचे कुरान मजीद में इरशाद है कि वो जो चाहता है करता है। एक और जगह फरमाया जिस चीज़ और जिस काम का वो इरादा फरमाता है उसको कर डालता है, ना कोई उसकी मशीयत व इरादे में दखल अंदाजी हो सकती है, ना किसी को उसके किसी काम में चूँ चरा की मजाल हो सकती है। अब यहाँ दोस्तों ये भी जान लीजिए कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा हुए कितने साल गुजर चुके हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बीच का वक्फ़ा क्या था, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दरमियान वक्फ़ा क्या था। तो दोस्तों ये बात ना कुरान में मौजूद है और ना ही किसी सही हदीस से साबित है। अलबत्ता इस बारे में बाज़ तारीखी रिवायात मिलती हैं। चुनाचे इमाम इबन असाकर रहमतुल्लाह अलैह ने दुनिया की मजमल तारीख इस तरह लिखी है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के दरमियान 1200 बरस का फासला है और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दरमियान 1142 साल का फासला है और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तक 565 बरस का फासला है और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम तक 569 बरस और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दरमियान 1356 बरस और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से ख़ातमुल अनबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक 600 बरस का फासला है। जहाँ तक इन अनबिया की हयात रहने का ताल्लुक है तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम 960 बरस, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम 950 बरस, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम 200 बरस, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम 100 बरस, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम 33 बरस और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 63 बरस तक बक़ायदे हयात रहे। लिहाजा इस हिसाब के मुताबिक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दुनिया में तशरीफ़ लाने से लेकर अब तक तकरीबन 9288 साल गुजर चुके हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बीच का दरमियानी वक्फ़ा तकरीबन 6835 साल है और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दरमियान का वक्फ़ा 1907 साल है। दोस्तों यहाँ ये भी जान लीजिए कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से कहाँ उतरे थे। इस बारे में तफसीर दुर्रे मंशूर में है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम मक्का और ताइफ के दरमियान में मौजूद दजना नामी इलाके में उतरे थे। बाज़ का कहना है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम सफ़ा पहाड़ी पर उतरे थे
हुक्म इलाही में कोताही की वजह से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के जन्नत से निकलने का वक्त आया, तब आप अलैहिस्सलाम ने हज़रत हवा अलैहिस्सलाम का हाथ थम कर कहा, चलो अब गुर्बत और बेकसी का वक्त आन पहुँचा। उस वक्त हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आकर कहा कि तुम दोनों अलग हो जाओ, क्योंकि यही अल्लाह ताला का हुक्म है कि तुम दोनों को दुनिया में मुख्तलिफ मकामात पर उतारना है। ये सुनते ही हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने हज़रत हवा अलैहिस्सलाम का हाथ छोड़ दिया। फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सारंदीव, जो कि श्रीलंका में है, और हज़रत हवा अलैहिस्सलाम को जद्दा के करीब उतारा गया, और शैतान को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हवा अलैहिस्सलाम के उतारने से पहले ही ईला में उतार दिया गया था। उस वक्त के अतबार से जद्दा और सरंदीब के दरमियान तकरीबन 2100 मील का फासला था। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की जन्नती ज़ुबान अरबी थी, लेकिन वो उनको भुला दी गई। उसके इवज़ाप अलैहिस्सलाम को सिरियानी ज़ुबान अता की गई। बाद अज़ां जब आपकी तौबा कबूल कर ली गई तो फिर अरबी ज़ुबान अता कर दी गई। फिर जब आदम अलैहिस्सलाम हुक्म इलाही पर हज के लिए तशरीफ़ ले गए तो आप अलैहिस्सलाम की मुलाकात मुज़दलफ़ा के मकाम पर अम्मा हवा से हुई। इस वजह से मुज़दलफ़ा के मानी कुर्बत वाली जगह बनता है। जद्दा सऊदी अरब का सबसे बड़ा शहर है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को हिंदुस्तान में उतारा, फिर आप अलैहिस्सलाम मक्का तशरीफ़ ले गए, वहाँ से शाम तशरीफ़ ले गए और वहीं इंतकाल हुआ। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हिंदुस्तान में उतरे थे। इब्ने असाकर ने एक रिवायत नकल की है, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जब ज़मीन पर भेजे गए तो उन्हें हिंदुस्तान में उतारा गया। तारीखी एतबार से देखा जाए तो हिंदुस्तान के इलाका सिलोन के जज़ीरे सरंदीप में बूज नामी पहाड़ी पर आदम अलैहिस्सलाम के कदम के निशान मिलते हैं। बाद में ये पहाड़ श्रीलंका के हिस्से में आ चुका है, जिसे तारीखी रिवायात के मुताबिक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के नक्शे पा से मनसूब किया जाता है। इसी मुनासबत से इस पहाड़ को आदम की चोटी या कोहे आदम का नाम दिया जाता है। इस पहाड़ को सरंदीप भी कहा जाता है। कोहे आदम की पहाड़ी श्रीलंका की दूसरी बड़ी चोटी है। 7300 फीट बुलंद ये चोटी श्रीलंका के दारुल हुकूमत कोलंबो से 220 किलोमीटर के फासले पर है। श्रीलंका के ज़िला रत्नापुर में वाकई इस चोटी तक पहुंचने के लिए कोलंबो से कैंडी और फिर डलहौज़ी आना पड़ता है। डलहौज़ी शहर के करीब से ये पहाड़ी शुरू होती है। कोहे आदम पर चढ़ने के लिए मौजूं वक्त रात का है। रात को 11-12 बजे के दरमियान सयाहों की अक्सरियत सफ़र शुरू करती है। पहाड़ की चोटी तक पहुंचने के लिए तकरीबन 4.5 घंटे मुसलसल सफ़र करना पड़ता है। पहाड़ को काटकर 7500 सीढ़ियाँ बनाई गई हैं। पहाड़ का 2/3 सफ़र तो सयाह बआसानी तय कर लेते हैं, लेकिन चोटी के करीब का 1/3 सफ़र इंतहाई दुश्वार है। यहाँ से आगे के सफ़र में पहाड़ की अमूदी सतह पर बनाई गई उन सीढ़ियों के दोनों जानब लगी स्टील की रेलिंग पकड़कर ही ऊपर चढ़ा जा सकता है। कोहे आदम की चोटी पर नक्शे पा आदम को ढांप कर महफूज कर दिया गया है। वक्फे वक्फे से इसे आम ज़ियारत के लिए खोला जाता है। ज़ायरीन की बड़ी तादाद बुत मत के मुकर्रा असूलों की पासदारी करते हुए ज़ियारत करती है। ये नक्श एक सख्त स्याह पत्थर में है। इस गड़े में दाएं पांव का नक्श है, जो तकरीबन 5 फीट लंबा और 2 फीट चौड़ा है। इस पांव के नक्श की लंबाई और चौड़ाई से किसी भी इंसान के जिस्म का कद का अंदाज़ा 35 फीट लगाया गया है। कोहे आदम पर वाक़े नक्शे पा के मकाम तक पहुँचने के लिए कई आराम गाहें बनाई गई हैं। पहाड़ की बुलंदी से दरिया का मंजर भी इंतहाई खूबसूरत है। तुलुए आफ्ताब का मंजर ताबनाक, सूरज की किरणों में आसमान के बदलते रंग इंतहाई खुशकुन नज़र आते हैं। ज़ायरीन अपने अपने अकीदे के मुताबिक फजर और तुलुए आफ्ताब के वक्त यहाँ इबादत करते हैं। बुद्ध मत के पैरोकार तुलुए आफ्ताब के वक्त साधु साधु का विर्द करते हैं। मुसलमानों के नज़दीक ये नक्श पा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का है। बुद्ध मत के मुताबिक ये निशान बुद्धा का है, और हिंदुओं के धर्म के मुताबिक ये नक्श शिवाजी का है। बुद्ध मज़हब की सबसे पुरानी किताब महावंश में भी इस कदम का जिक्र है। अप्रैल के महीने में ज़ायरीन की बड़ी तादाद यहाँ आती है। मकामी ज़ुबान में इस पहाड़ी को सिरीपाडा कहा जाता है। तारीखी हवाले बताते हैं कि सिकंदर आज़म और इब्ने बतूता ने भी ज़ियारत के लिए यहाँ का सफ़र किया। इब्ने बतूता ने अपने सफ़रनामे में इसका जिक्र इंतहाई दिलचस्प पैराए में किया है। उसका बयान है कि मैंने जज़ीरा सैलान यानी श्रीलंका आने के बाद सैलान के राजा से कहा कि मैं कदम शरीफ की ज़ियारत करना चाहता हूँ। श्रीलंका के राजा हुक्मरान ने मेरे सफ़र का एहतमाम किया। सैलान में आदम को बाबा और हवा को मामा कहते हैं। राजा ने मुझे एक डोला दिया और कई ग़ुलाम दिए, जो मुझे डोले में बैठा कर ले गए। राजा ने 4 जोगी भी मेरे साथ कर दिए। ये जोगी रास्ते से खूब वाकिफ़ थे।
इसके अलावा 3 ब्राह्मण और 10 अहलकारों के अलावा 15 आदमी भी मेरा सामान उठाने के लिए साथ कर दिए। पानी उस रास्ते में बकसरत है। पहले दिन हम एक दरिया पर पहुंचे और बेद की छड़ियों से बनी हुई कश्ती में इस दरिया को अबूर किया। वहां से हम मनार मुंडली पहुंचे। वहां एक गार है जिसको गारे नारंज कहते हैं और एक दूसरा गार है उसको राजा का गार कहते हैं। उसके पास पहाड़ का दरवाज़ा है जिसको जबले सरंदीप कहते हैं। जब हम वहां पर गए तो बादल हमसे नीचे थे। इब्ने बतूता के मुताबिक कोहे आदम तक रसाई के लिए जायर जिस रास्ते से गुजर कर चोटी तक पहुँचता है उसी रास्ते में ऐसे खुशनुमा दरख्त मिलते हैं जिनके पत्ते कभी नहीं झड़ते। पहाड़ी सुरख गुलाब का फूल हथेली के बराबर होता है। लोगों का गुमान है कि इस फूल में अल्लाह और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम कलम कुदरत से लिखा हुआ होता है। इसके पास पहाड़ का दरवाज़ा है जिसको जबले सरंदीप कहते हैं। ये पहाड़ दुनिया के बुलंद पहाड़ों में से है। इस पहाड़ के जरिए कदम तक जाने के 2 रास्ते हैं। एक को बाबा का रास्ता कहते हैं और दूसरे को मामा का यानी आदम व हवा के रास्ते। मामा का रास्ता आसान है। इस रास्ते से ज़ायरीन वापस आते हैं और अगर कोई मामा के रास्ते से जाए तो समझते हैं कि इसने ज्यारत ही नहीं की। बाबा का रास्ता बड़ा दुश्वार गुजार है और इस पर चढ़ना नहायत मुश्किल है। इस खतरनाक ढलवानदार रास्ते पर ज़ायरीन की सहूलत के लिए पहाड़ तराश कर सीढ़ियाँ खुदवाई गई हैं। इन सीढ़ियों पर चढ़ने वालों को गिरने से बचाने के लिए लोहे की मेखें गाड़ कर जंजीरें लटकाई गई हैं। ये 10 जंजीरें हैं। 10वीं जंजीर को जंजीर शहादत कहते हैं। इस जंजीर के पास जब मुसाफिर पहुंचता है और वो पहाड़ से नीचे की तरफ देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। उस जंजीर के पास ही एक गार है जिसे सिकंदर आजम की गार से मंसूब किया जाता है। इस गार के साथ एक चश्मा भी है। उस चश्मे में मछलियाँ बकसरत हैं लेकिन उनको पकड़ना आसान नहीं। चश्मे से 7 मील के फासले पर गार खिजर है। ये गार हज़रत खिजर अलैहि सलाम से मंसूब है। इस गार से 2 मील ऊपर कदम का निशान है। ये कदम बाबा आदम के पाँव का नक्श बताया जाता है। ये नक्श एक सख्त स्याह पत्थर में है। इब्ने बतूता के मुताबिक कोहे आदम की चोटी तक पहुँचने के लिए 9 मील चढ़ाई चढ़नी पड़ती है। 6 मील चढ़ाई के बाद असली चोटी नज़र नहीं आती। यहाँ ज़मीन और समंदर का नज़ारा काबिले दीद है। इब्ने बतूता के मुताबिक यहाँ अहले चीन भी ज्यारत के लिए आते हैं। यहाँ के लोगों का कहना है चीन के ज़ायरीन पाँव के अंगूठे के निशान का पत्थर तोड़कर ले गए और उसे चीन के शहर जैतून के एक मंदिर में जा रखा। इस नक्श की ज्यारत के लिए अहले चीन इस मंदिर में आते हैं। कदम के पास पत्थर में 9 गढ़े खुदे हुए हैं। हिंदू ज़ायर इसमें सोना याकूत और मोती और दूसरे जवाहर डाल देते हैं। यहाँ के बाशिंदों में ये मशहूर है कि हर एक शख्स को कदम की लंबाई उसके ईमान के मुताबिक नज़र आती है। अबू जैद हसन सिरानी ने इसकी लंबाई 70 हाथ लिखी है। बुद्ध मज़हब के पैरों कहते हैं कि बुद्धा इसी पहाड़ से आसमान पर चढ़े। कुरान मजीद या हदीस में इस कदम की बाबत कोई सनद नहीं है। मौरख लिखते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम सरंदीप में एक पहाड़ पर जिसको नोवो कहते हैं उतारे गए। अम्मा हवा जद्दा में, सांप समनान में और शैतान अस्फहान में। ये जगह अब बुद्ध मज़हब के पैरोकारों के ज़ेर इंतज़ाम है। बुद्ध मत मानने वाले इसे सिरीपेद यानी कदम शरीफ कहते हैं। यहाँ आपको ये भी बता दें कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ज़मीन पर उतरे तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का पहला खाना और लिबास क्या था। तो दोस्तों रिवायत में यूं बयान हुआ है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम 100 साल या 60 साल जन्नत में रहे। इस अरसे में दोनों पर जन्नत के किसी भी हिस्से में जाने पर पाबंदी ना थी सिवाय शजरे ममनुआ के। शैतान अब उन दोनों का खुला दुश्मन था और अपनी सज़ा का बदला लेने के लिए बेकरार भी। उसकी शदीद ख्वाहिश थी कि ये अल्लाह के हुक्म के खिलाफ वर्जी करें। फिर शैतान ने उन दोनों के दिलों में वसवसा डाला ताकि उनकी शर्मगाहें जो एक दूसरे से पोशीदा थीं बेपर्दा हो जाएं। उसने उन्हें कहा तुम्हारे रब ने तुम दोनों को इस दरख्त से इसलिए मना फरमाया कि कहीं ये फल खाकर तुम दोनों फरिश्ते ना हो जाओ या कहीं हमेशा जिंदे रहने वालों में से ना हो जाओ। शैतान की इन बातों ने हज़रत हवा अलैहिस्सलाम को सोचने पर मजबूर कर दिया और फिर शैतान के मुसलसल और तवातर के साथ साजिशें रंग लाईं और उसने हज़रत हवा अलैहिस्सलाम को फल खाने पर राज़ी कर लिया। एक दिन हज़रत हवा अलैहिस्सलाम ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से कहा कि हम इस शजरे ममनुआ का ज़रा सा हिस्सा खाकर तो देखें आखिर वो क्या राज है जो अल्लाह ने इसे खाने से मना फरमाया है। शुरू में तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम उसके लिए कतई तौर पर तैयार ना थे लेकिन फिर हज़रत हवा अलैहिस्सलाम के मुसलसल इसरार पर बादल ना खास्ता वो भी राज़ी हो गए। अभी उन दोनों ने फल को पूरे तौर पर चखा भी ना था कि उनकी सतरगाहें एक दूसरे पर आयां हो गईं, जिस पर दोनों बदहवासी और परेशानी में जन्नत के दरख्तों के पत्ते तोड़ तोड़ कर अपना बदन छुपाने लगे।
अल्लाह ने दोनों को पुकारा और फरमाया, क्या मैंने तुमको मना नहीं किया था कि इस दरख्त का फल ना खाना और शैतान के वरगलाने में ना आना, ये तुम्हारा खुला दुश्मन है। दोनों ने जब अल्लाह की पुकार सुनी तो मारे खौफ इलाही के कांप उठे। निहायत लाचारगी और आर्जी से अपनी खता पर नादिम और शर्मिंदा होते हुए बारगाह खुदाबंदी में अर्ज किया, ऐ हमारे रब, हम दोनों से बहुत बड़ी गलती हो गई है। अब अगर आपने हम पर रहमो करम ना किया और माफ़ ना फरमाया तो हम तबाहो बर्बाद हो जाएंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया कि अब तुम दोनों एक ख़ास मुद्दत तक ज़मीन पर ही रहोगे जहाँ तुम एक दूसरे के दुश्मन होगे, और वहाँ ही मरना है और उसी में से फिर पैदा होना है। तो दोनों को ज़मीन की तरफ रवाना कर दिया गया। रिवायत में है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को हिंद, हज़रत हवा अलैहिस्सलाम को जद्दा और इब्लीस को बसरा से चंद मील के फासले पर दमस्तिमान के मकाम पर उतारा गया। हज़रत सदी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से हिंद में उतरे तो उनके पास हजरे अस्वद था और जन्नत के दरख्तों के पत्तों की एक मुट्ठी भी थी। फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने उन पत्तों को ज़मीन पर फैला दिया और ये खुशबूदार दरख्त उन पत्तों ही की पैदावार हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ज़मीन पर आने के बाद नहायत शर्मसार और अफसरदा थे। फिर हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम से अलैहदगी ने भी सख्त परेशानी में मुब्तला कर दिया था। रिवायत में है कि आप एक तवील अरसे तक अल्लाह के हजूर गिड़गिड़ाते, फरियाद करते और आंसू बहाते रहे, यहाँ तक कि अल्लाह ताला को उनकी इस गिरिया उजारी पर रहम आ गया। और फिर एक दिन हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास आकर उन्हें अल्लाह की जानिब से माफ़ी की नवीद सुनाई। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम खुशी से सरशार बारगाह खुदावंदी में सरबसजूद होकर शुक्र बजा लाए। फिर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम उन्हें लेकर मक्का आए जहाँ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने काबा शरीफ की बुनियाद रखी और हजरे अस्वद को काबा की दीवार पर नसब फरमाया। फिर उसके गिर्द तवाफ किया। तवाफ से फारिग होकर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम उन्हें जबले अरफात पर ले गए जहाँ हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम तशरीफ़ फरमा थीं। लेकिन तवील अरसे की जुदाई और हालात ने बहुत से जिस्मानी तगैरात पैदा कर दिए थे, चुनाचे दोनों एक दूसरे को पहचान ना पाए, जिस पर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने दोनों का तारुफ़ करवाया। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लग्ज़िश हो गई तो उन्होंने अल्लाह ताला से अर्ज़ किया, ऐ मेरे परवरदिगार, मैं आपसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से सवाल करता हूँ कि आप मेरी मग़फ़रत फरमा दें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, तूने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसे जान लिया जबकि मैंने उनको अब तक पैदा नहीं फरमाया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, ऐ परवरदिगार, जब आपने मुझे अपने हाथों से पैदा फरमाया और मुझ में डांट डाली, फिर मैंने अपना सर उठाया तो अर्श पर लिखा देखा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलल्लाह, तो मैंने जान लिया कि जिस ज़ात का नाम आपने अपने नाम के साथ मिला लिया है इससे बढ़कर आपके नज़दीक और कोई महबूब नहीं हो सकता। तो अल्लाह ने फरमाया, ऐ आदम, तूने सच कहा, वो मेरे नज़दीक सबसे महबूब हैं और जब तूने उनके वसीले से मुझसे मांग लिया तो बस मैंने तेरी बख्शिश कर दी, और अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना होते तो मैं आपको भी पैदा ना करता। दोस्तों, अब आते हैं इस बात की तरफ कि जो आज की वीडियो का मकसद है कि दुनिया में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पहले कौन से एक पैगंबर का तज़किरा मिलता है। तो जान लीजिए कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पहले एक पैगंबर को अल्लाह ने जिन्नात में भेजा था। दोस्तों, जिन अल्लाह की मखलूक हैं जिन्हें इंसान की पैदाइश से भी कबल पैदा किया गया था। बाज़ मुहक्किकीन और तारीख़दान लिखते हैं कि जिन्नात को आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से भी 2000 साल कबल तख्लीक किया गया था। कुरान हकीम में उसका जिक्र इस तरह से आया है, और हमने इंसान को खनकते हुए गारे से पैदा किया है और जिन्हों को उससे भी पहले बेधुएँ की आग से पैदा किया। एक और जगह इरशाद मुबारक है, उसने इंसान को बजने वाली मट्टी से पैदा किया और जिन्नात को आग के शोले से पैदा किया। इब्ने कसीर इन आयात की तफसीर में लिखते हैं कि सलसाल खुश्क मट्टी और जिसमें आवाज़ हो फ़खार, आग में पकी हुई मट्टी को ठीकरी कहते हैं। मारज से मुराद सबसे पहला जिन है, जिसे अबुल जिन कहा जा सकता है, जैसे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अबुल आदम कहा जाता है। यहाँ मुराद जिनों का बाप या जिन बतौर जिन्स के लिए, जैसा कि तर्जमा जिन्स के एतबार से ही किया गया है। लुगत में मारज आग से बुलंद होने वाले शोले को कहते हैं। नार से मुराद एक ख़ास नौयत की आग है, ना कि वो आग जो लकड़ी या कोयले जलाने से पैदा होती है। और मारज के मानी है खालिस शोला जिसमें धुआं ना हो। जिस तरह पहला इंसान मट्टी से बनाया गया, फिर तख्लीक के मुख्तलिफ मदारज से गुजारते हुए उसके जज्दे खाकी ने गोश्त पोस्त के जिंदा बशर की शक्ल इख्तियार की और आगे उसकी नस्ल नुतफे से चली, इसी तरह पहला जिन खालिस आग के शोले या आग की लपट से पैदा किया गया।
और इसमें उसकी ज़ुर्रियत से जिनों की नस्ल पैदा हुई, उनका वजूद भी असलन एक आतशी वजूद ही है। लेकिन जिस तरह हम महज एक तोदा खाक नहीं हैं, इसी तरह वो भी महज शोला आतशी नहीं है। एक रिवायत में आया है कि जिनों को जुमेरात को तख्लीक किया गया था, जिनों को अल्लाह ताला ने अपनी इबादत के लिए पैदा किया था, जिसकी तस्दीक कुरान मजीद ने इन अल्फाज में की है, और मैंने जिनों और इंसानों को इसलिए पैदा किया कि वो मेरी इबादत करें। इस आयत मुबारका से साबित हो रहा है कि इंसान एक मखलूक है जिसे अल्लाह ने इबादत के लिए पैदा किया है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की खलकत से पहले जन्नात के दरमियान पैगम्बर मबूस हुए हैं, क्योंकि अल्लाह पाक कुरान मजीद में खलकत के मकसद को जिन्नों इंस की इबादत और उनको कमाल तक पहुँचाना बयान करता है और फरमाता है, मैंने जिन्नों इंस को इबादत के लिए खलक किया है। रिवायत में आया है कि एक शामी मर्द ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा कि क्या खुदा ने जिन्नात की जानिब किसी पैगंबर को भेजा है। अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जवाब में फरमाया, हाँ, एक पैगंबर जिसका नाम यूसुफ था, उनकी हिदायत के लिए भेजा गया, लेकिन उन्होंने उसे शहीद कर दिया। ये रिवायत भी दलील है कि जिन्नात में उनके ही नौ से पैगंबर होते थे। इस बिना पर जो कुछ हमने बयान किया है, इससे वाज़ेह हुआ कि जिन भी मुकल्लफ हैं और फ़राइज़ रखते हैं और इंसान की खलकत से पहले उनकी हिदायत के लिए पैगंबर मबूस हुए हैं, लेकिन इसकी कैफियत हमारे लिए वाज़ेह नहीं। दोस्तों, मेराज के सफ़र में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पहले आसमान पर पहुँचे तो वहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को देखा, जिनके दाएं जानेब भी लोगों की जमातें थीं और बाएं जानेब भी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जब दाएं जानेब देखते हैं तो हंसते हैं और बाएं जानेब देखते हैं तो रोते हैं। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैंने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से पूछा, ऐ जिब्राईल, ये क्या है? उन्होंने कहा, ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हैं और ये उनकी औलाद की रूहें हैं। जब दाएं जानेब देखते हैं जो जन्नती हैं तो हंसते हैं, और जब बाएं जानेब देखते हैं जो जहन्नमी हैं तो रोते हैं। इसके साथ ही दोस्तों, यहाँ ये भी जान लीजिए कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने ज़मीन पर आकर सबसे पहले किस चीज़ की ख्वाहिश की। तो दोस्तों, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जब जन्नत से ज़मीन पर तशरीफ़ ले आए तो बारगाहे खुदावंदी में अर्ज़ किया कि खुदाया, मैं यहाँ ना तो मलाइका की तस्बीह व इबारत की आवाज़ सुन सकता हूँ, ना ही कोई इबारत खाना नज़र आता है, जैसा कि आसमान में बैतुल मामूर देखता था जिसके इर्द गिर्द मलाइका तवाफ़ करते थे। इस पर अल्लाह पाक का हुक्म आया कि जाओ, जहाँ पर हम निशान बताएं वहाँ पर काबतुल्ला बना दो और उसके इर्द गिर्द भी तवाफ़ कर लो, उसकी तरफ नमाज भी अदा कर लो। जिब्राईल अलैहिस्सलाम उनकी रहबरी के लिए उनके साथ चल पड़े और उन्हें उस मकाम पर ले आए थे जहाँ से ज़मीन बनी थी, यानी जिस जगह झाग बनी थी, और फिर वही झाग फैलकर पूरी ज़मीन बनी। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अपना पर मारकर सातवीं ज़मीन तक बुनियाद रख दी, जिसको मलाइका ने पांच पहाड़ों के पत्थरों से भरा, कोहे तूर, कोहे लबनान, कोहे जूदी, कोहे तूरे जैता और कोहे हिरा। बुनियाद भरने के बाद निशान के लिए चारों तरफ की दीवारें भी उठा दीं। उस तरफ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम नमाज भी पढ़ते रहे और तवाफ़ भी करते रहे। तूफ़ान नूह तक काबा इसी हालत में रहा। तूफ़ान के वक्त वो इमारत आसमान पर उठा ली गई और वो जगह एक और ऊंचे टीले की सूरत में रह गई, मगर लोग फिर भी बरकत के लिए यहाँ आते थे और आकर दुआएं मांगते थे। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने तक काबा इसी हालत में रहा। जब हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम यहाँ आकर रहे और यहाँ कुछ आबादी हो गई, तो हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम के इंतकाल के बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को साथ लेकर खाना काबा की इमारत तामीर करें। उसकी निशानी इस तरह की गई कि एक बादल का टुकड़ा भेजा गया ताकि उसके साए से काबे की हद मुकरर की जाए। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने इस साए की मदद से ख़त खींचा और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस ख़त पर इस कदर खुदाई की कि बुनियाद आदम नमूदार हो गई। फिर उस पर इमारत बनाई, उसकी बुलंदी नौ हाथ थी और रुकने असवद से रुकने शामी तक दीवार की लंबाई 33 हाथ और रुकने शामी से रुकने गरबी तक 22 हाथ और रुकने गरबी से रुकने यमानी तक और रुकने यमानी से रुकने असवद तक 20 हाथ थी। इसी तरह खाना काबा की इमारत मुस्ततील की शक्ल में बनी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खाना काबा के अंदर एक तगार सा बनाया ताकि काबा के लिए जो नजराने और तोहफे आएँ वो उसमें रखे जा सकें। उसके दरवाजे दो थे, एक दाखिल होने के लिए और एक निकलने के लिए। काबा बनाने वाले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे और उनको गारा और पत्थर उठाकर देने वाले हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम थे। इस दफ़ा उसकी तामीर के लिए तीन पहाड़ों के पत्थर लाए गए। बाद में उस इमारत में कुछ तब्दीलियां भी की गईं, उसकी ऊंचाई मज़ीद बढ़ाई गई, दरवाज़ा भी दो की बजाय एक किया गया। यहाँ दोस्तों आपको ये भी बता दें कि आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बरगुजीदा नबी थे।
जब अल्लाह ताला ने उन्हें पैदा करना चाहा तो फरिश्तों और इबलीस से कहा, मैं खनखनाते हुए स्याह और सड़े हुए गारे से एक इंसान बनाने वाला हूँ। जब मैं उसे ठीक तरह से बनाकर मुनासिब शक्ल दे दूँ और उसमें अपनी रूह फूंक दूँ तो तुम सब उसके आगे सजदे में गिर पड़ना। अलगर्ज अल्लाह ताला ने पूरी ज़मीन से एक मुट्ठी मट्टी ली। यही वजह है कि आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में कोई गोरा है, कोई काला है, कोई सांवला है, कोई नरम है, कोई सख्त है, कोई नापाक है, कोई पाक है। फिर अल्लाह ताला ने उस मट्टी के खुलासे से गारा तैयार किया। जब गारा स्याह और बदबूदार हो गया और उससे खन खन की आवाज़ आने लगी तो अल्लाह ताला ने अपने दोनों हाथों से आदम अलैहिस्सलाम का पुतला बनाया। फिर अल्लाह ने पुतले को कुछ अरसे के लिए वैसे ही छोड़ दिया। जब इबलीस ने उसे देखा तो उसके गिर्द चक्कर लगाने लगा और उसको बगौर देखता रहा। उसने देखा कि पुतला अंदर से खाली है तो वो समझ गया कि आदम अपने ऊपर काबू ना रख सकेंगे। फिर अल्लाह ताला ने जुमे के दिन असर के बाद उस पुतले को जिंदा इंसान बन जाने का हुक्म दिया। हुक्म सुनते ही वो पुतला जिंदा इंसान बन गया। जब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया और उनके जिस्म में रूह फूंकी तो उन्हें छींक आई। उन्होंने अल्लाह के हुक्म से अल्हम्दुलिल्लाह कहा। अल्लाह ताला ने फरमाया, यरहमकुल्लाह, अल्लाह तुम पर रहम करे। फिर अल्लाह ताला ने उनसे फरमाया, जाओ उन फरिश्तों को सलाम करो और सुनो वो क्या कहते हैं। जो कुछ वो कहें वही तुम्हारा और तुम्हारी ज़ुर्रियत का सलाम होगा। आदम अलैहिस्सलाम उनके पास गए और उनसे कहा, अस्सलामु अलैकुम। फरिश्तों ने जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। जब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया तो तमाम फरिश्ते अल्लाह के हुक्म के मुताबिक आदम अलैहिस्सलाम के सामने सजदे में गिर पड़े, लेकिन इबलीस ने तकब्बुर किया और सजदा करने से साफ इनकार कर दिया और कहने लगा, मैं उससे बेहतर हूँ, मुझे तूने आग से पैदा किया और आदम को मट्टी से पैदा किया। इबलीस जिन्नात में से है। अल्लाह ताला का फरमान है, इल्लल इबलीस काना मनल जिन, मगर इबलीस जिन्नात में से था। दूसरी बात यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि इबलीस आग से पैदा हुआ और फरिश्ते नूर से पैदा हुए। तीसरी बात यह है कि इबलीस की औलाद है, जबकि फरिश्तों में तनासुल का सिलसिला नहीं है। इसी तरह इबलीस ने अल्लाह ताला की नाफरमानी की, तकब्बुर किया, जबकि मलाइका अल्लाह ताला की ऐसी मुकर्रम मखलूक है कि अल्लाह के अहकाम की नाफरमानी नहीं करती। अगर ये कहा जाए कि शैतान जब फरिश्तों में नहीं तो उसे सजदा करने का हुक्म क्यों दिया गया, जवाब यह है कि उसे अपने इल्म, इज्तिहाद और इबादत की वजह से आसमान में एक बुलंद मकाम हासिल था। फिर अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम की पीठ पर मसा किया। मसा करते ही हर रूह जवान की औलाद में क़यामत तक पैदा होने वाली थी निकल पड़ी। फिर उन रूहों को आदम अलैहिस्सलाम के सामने पेश किया। आदम अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ मेरे रब, ये कौन लोग हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, ये तुम्हारी औलाद है। आदम अलैहिस्सलाम ने उनमें से एक शख्स को देखा, उनको उसकी आँखों के दरमियान जो नूर था वो बहुत पसंद आया। कहने लगे, ऐ मेरे रब, ये कौन है। अल्लाह ताला ने फरमाया, ये तुम्हारी औलाद की आखिरी जमातों में से एक शख्स है जिसका नाम दाऊद है। आदम अलैहिस्सलाम ने पूछा, ऐ मेरे रब, तूने इसकी उम्र कितनी रखी है। अल्लाह ने फरमाया, 60 साल। आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, ऐ मेरे रब, मेरी उम्र से इसकी उम्र में 40 साल बढ़ा दे। बस अल्लाह ताला ने ऐसा कर दिया और इस पर गवाह भी ठहरा दिया। फिर जब आदम अलैहिस्सलाम की उम्र मुकम्मल हो गई तो अल्लाह ने उनकी तरफ मलाकुल मौत को भेजा। तो आदम अलैहिस्सलाम ने कहा कि क्या मेरी उम्र से अभी 40 साल बाकी नहीं है। मलकुल मौत ने कहा कि क्या आपने ये 40 साल अपने बेटे दाऊद अलैहिस्सलाम को हिबा नहीं किए थे। आदम अलैहिस्सलाम ने इनकार कर दिया, लिहाजा आपकी औलाद भी इनकारी है और आदम अलैहिस्सलाम भूल गए, लिहाजा आपकी औलाद भी निस्यान का शिकार हो गई। इसी तरह अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम की पुश्त से निकलने वाली औलाद से मैदान अरफात में अहद लिया। अल्लाह ताला ने जितनी मखलूक पैदा करनी थी उनको आदम अलैहिस्सलाम के आगे चींटियों की तरह फैला दिया। फिर उनसे बिलमुशाफा गुफ्तगू फरमाई। इसके बाद अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम की पसली से उनकी बीवी को पैदा किया ताकि आदम उनसे सुकून हासिल करें। फिर अल्लाह ने उन्हें जन्नत में रहने का हुक्म दिया। आदम अलैहिस्सलाम जुमे के दिन जन्नत में दाखिल हुए। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम से फरमाया, तुम अपनी बीवी के साथ इस जन्नत में रहो और जहाँ से चाहो खूब खाओ पियो, लेकिन उस दरख्त के करीब भी ना जाना वरना तुम नुकसान उठाओगे, और ये इबलीस तुम्हारा और तुम्हारी बीवी का दुश्मन है, इससे होशियार रहना, कहीं ऐसा ना हो कि ये तुम्हें जन्नत से निकलवा दे। अलगर्ज यहाँ तुम बड़े ऐशो आराम से रहोगे। आदम अलैहिस्सलाम और उनकी जौजा जन्नत में बड़े आराम से रह रहे थे, लेकिन इबलीस उनके पीछे लगा हुआ था। उसने आदम अलैहिस्सलाम से कहा, ऐ आदम, मैं तुम्हें ऐसा दरख्त ना बताऊँ कि जिसको खाकर तुमको ऐसी सल्तनत मिल जाए जिसमें कभी जोफ ना आने पाए
और एक दिन उनसे कहने लगा, तुम्हारे रब ने जो तुम्हें इस दरख्त से मना किया है सिर्फ इसलिए कि कहीं तुम फरिश्ते ना बन जाओ और हमेशा जिंदा रहो। और फिर कसम खाकर कहा, मैं तुम दोनों का खैर ख्वाह हूँ। अगर अल्लाह ताला ने जो अहद आदम अलैहिस्सलाम से लिया था, आदम अलैहिस्सलाम उसे भूल गए और इब्लीस ने बिलाखिर उनको वरगला ही दिया। आदम अलैहिस्सलाम की जौजा मुताहरा सैयदा हवा अलैहिस्सलाम ने पहले दरख्त से खाया और आदम अलैहिस्सलाम को तरगीब दी, बिलाखिर दोनों ने दरख्त से खा लिया। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर हवा ना होती तो कोई औरत अपने खाविंद के साथ खयानत ना करती। दरख्त से खाना ही था कि उनकी शर्मगाहें एक दूसरे के सामने जाहिर हो गईं। ये देखकर उन्होंने जन्नत के पत्ते अपने ऊपर चिपकाने शुरू कर दिए। अल्लाह ताला ने उन्हें पुकार कर फरमाया, क्या मैंने तुम दोनों को इस दरख्त के खाने से मना नहीं किया था? और मैंने तुमसे नहीं कहा था कि शैतान तुम दोनों का खुला दुश्मन है, इससे होशियार रहना। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को तवीलुल कामत पैदा किया था, सर में बाल घने थे। जब उन्होंने उस दरख्त से खा लिया तो उनका लिबास अलहदा हो गया, उनका सतर नजर आने लगा। वो भागे तो एक दरख्त ने उनके बाल पकड़ लिए, वो उससे झगड़ने लगे। अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ आदम मुझसे भागते हो? आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, तुझसे शर्म आती है इस नाफरमानी की वजह से। अल्लाह ताला ने फरमाया, तुम यहाँ से उतर कर नीचे चले जाओ, अब तुम्हें कुछ अरसे के लिए ज़मीन पर रहना है और वहीं फ़ायदा उठाना है। फिर अल्लाह ताला ने जुमा ही के दिन उन्हें ज़मीन पर उतरने का हुक्म दिया और इसी दिन वो ज़मीन पर उतार दिए गए। अल्लाह ताला ने उस दरख्त का तायुन नहीं किया जिसे आदम अलैहिस्सलाम को मना किया गया था, और तायुन में हमारे लिए कोई फ़ायदा नहीं है। अगर होता तो अल्लाह ताला हमारे लिए ज़रूर बयान फरमा देता। और कुरान की तफसीर करने वाले के लिए ज़रूरी है कि वो कुरान के मुभम मकामात का तायुन उस वक्त तक ना करे जब तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की सही सरी हदीस ना मिल जाए। आदम अलैहिस्सलाम कितनी मुद्दत जन्नत में रहे और उनकी औलाद जन्नत में हुई या नहीं, उनके मुतल्लिक सही मालूमात साबित नहीं हैं। आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में शादी का तरीका तारीख में नकल है कि हवा अलैहिस्सलाम के यहाँ हर हमल से एक लड़का और एक लड़की पैदा होते थे। एक हमल से पैदा होने वाला लड़का दूसरे हमल से पैदा होने वाली लड़की से शादी करता था। हदीस में है कि कयामत के दिन जब लोग जन्नत के करीब हो जाएंगे तो आदम अलैहिस्सलाम के पास आएंगे, कहेंगे, ऐ हमारे बाप, हमारे लिए जन्नत को खुलवा दो। तो आदम अलैहिस्सलाम कहेंगे कि तुमको इस जन्नत से सिर्फ तुम्हारे बाप की गलती ने निकाला था। आदम अलैहिस्सलाम अपनी जौजा के साथ ज़मीन पर आ गए। अल्लाह ताला ने दुआया कलमात सिखाए। उन दोनों ने इन दुआया कलमात के साथ अल्लाह ताला से माफ़ी मांगी। अल्लाह ताला ने जुमा के रोज़ उनकी तौबा कबूल फरमाई। जब आदम अलैहिस्सलाम ज़मीन पर रहने लगे तो फिर अल्लाह ने उनके लिए उम्दा लिबास का इंतज़ाम फरमाया और अल्लाह ताला ने उनकी औलाद को इज़्ज़त व करामत से सरफराज फरमाया। बहरोबर में उनकी नकलो हरकत के लिए सवारियाँ मुहैया कं और उनके लिए पाकिज़ा खानों का इंतज़ाम फरमाया और अपनी बहुत सी मखलूक़ात पर बरतरी अता फरमाई। आदम अलैहिस्सलाम की औलाद बहुत हुई, उनमें से दो ने एक मरतबा अल्लाह ताला की राह में कुर्बानी पेश की। अल्लाह ने एक की कुर्बानी कबूल फरमाई, दूसरे की नहीं। जिनकी कुर्बानी कबूल नहीं हुई अपने भाई से कहने लगा, मैं तुझे ज़रूर कत्ल करूँगा। भाई ने जवाब दिया कि अल्लाह ताला तो मुत्तकी लोगों की कुर्बानी कबूल फरमाता है, तुम में तकवा नहीं है इसलिए तुम्हारी कुर्बानी कबूल नहीं हुई, इसमें मेरा क्या कसूर है। बिलाखिर उसने अपने भाई को कत्ल किया। कत्ल करने के बाद समझ नहीं आया कि अपने मकतूल भाई की लाश का क्या करे। अल्लाह ताला ने एक कौवा भेजा जो ज़मीन पर उतरकर ज़मीन को कुरेदने लगा। कातिल भाई ने कौवे से सीखा कि किस तरह अपने भाई की लाश को छुपाए, फिर अपने इस फेल पर बहुत शर्मिंदा हुआ और अफसोस किया। कातिल का नाम काबिल था, मकतूल का नाम हाबील था। काबिल पहला शख्स है जिसने बनी आदम में कत्ल को जारी किया। आदम अलैहिस्सलाम बहुत रोए इस कत्ल पर और अफसोस किया। आदम अलैहिस्सलाम की उम्र अल्लाह ताला ने 1000 साल रखी थी। आदम अलैहिस्सलाम ने 40 साल अपनी उम्र में से दाऊद अलैहिस्सलाम को हिबा किए थे। बहरहाल अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम की उम्र 1000 साल कर दी और दाऊद अलैहिस्सलाम की उम्र 100 साल कर दी। हाबील के मरने के बाद अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को एक बेटा दिया, उन्होंने उनका नाम शीस अलैहिस्सलाम रखा और अपनी वफात से पहले हज़रत शीस अलैहिस्सलाम को वसीयत की। जब फरिश्तों ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज़ कर ली, फरिश्ते अपने साथ कफन और खुशबू लेकर आए थे। फिर फरिश्तों ने उन्हें गुसल दिया, कफन पहनाया और नमाज जनाजा पढ़ी, कब्र खोदी और लहद में दफन किया। फिर कहा, ऐ बनी आदम, यह है तकफीन व तदफीन वगैरह का तरीका। आदम अलैहिस्सलाम का इंतकाल जुमा के रोज़ हुआ, दफन की जगह नामालूम है।
आदम अलैहि सलाम के इंतकाल के बाद सैयदा हवा अलैहि सलाम का इंतकाल हो गया। आदम अलैहि सलाम का कद 60 हाथ था। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मूसा अलैहि सलाम ने आदम अलैहि सलाम से बहस की कि आपने लोगों को अपनी गलती गुनाह के सबब से जन्नत से निकलवाया और उन्हें बदबख्त बनाया। आदम अलैहि सलाम ने फरमाया, ऐ मूसा अलैहि सलाम, अल्लाह ताला ने आपको रिसालत और कलाम करने के लिए चुना और आप मुझे एक ऐसे मामले में मलामत कर रही हैं जो अल्लाह ताला ने मेरी तख्लीक से कबल लिख दिया था। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने फरमाया, आदम अलैहि सलाम दलील के ज़रिए मूसा अलैहि सलाम पर गालिब आ गए। और हाँ दोस्तों, आखिर में हज़रत आदम अलैहि सलाम की वफ़ात कब और कैसे हुई, इस हवाले से आपको आगाह कर दूँ कि जब हज़रत आदम अलैहि सलाम हाबील की मौत की वजह से बेकरार रहते थे, तब अल्लाह पाक ने हज़रत जिब्राईल अलैहि सलाम को उनकी तसल्ली के लिए भेजा। उन्होंने हज़रत आदम अलैहि सलाम को बाहुक्मे खुदाबंदी बताया, अल्लाह उनको एक फ़र्जंद इनायत करेगा जिसकी नस्ल से पैगंबर पैदा होंगे। हज़रत शीस अलैहि सलाम, चुनाचे हबील के मरने के 5 साल बाद हज़रत आदम अलैहि सलाम के यहाँ फ़र्जंद पैदा हुआ जिसका नाम शीस रखा। इसका मतलब है अल्लाह का दिया हुआ तोहफ़ा। ये नाम रखने की वजह यह है कि हाबील के मरने के 5 साल बाद अल्लाह पाक ने उनको शीस अता फरमाया। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात का वक्त करीब आया तो उन्होंने अपने बेटों से फरमाया कि बेटो, मेरा जन्नत के फल खाने का जी चाह रहा है। वो तलाश के लिए निकल गए तो उन्हें सामने से फरिश्ते आते हुए मिले जिनके पास हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का कफ़न और खुशबू थी और उनके पास कुल्हाड़े और टोकरियाँ भी थीं। उन्होंने कहा कि आदम के बेटो, तुम्हें किस चीज़ की तलाश है? उन्होंने कहा कि हमारे वालिद बीमार हैं और जन्नत के मेवे खाने की ख्वाहिश रखते हैं। फरिश्तों ने कहा कि वापस चले जाओ, तुम्हारे वालिद फौत होने वाले हैं। और जब फरिश्ते हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज़ करने के लिए आए तो हवा अलैहिस्सलाम ने उनको देखकर पहचान लिया और वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से चिमट गईं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुझसे अलग हो जाओ, पहले भी मुझे तुम्हारे ज़रिए से ही मुसीबत पहुँची थी, मुझे मेरे रब के फरिश्तों का साथ देने दो। फरिश्तों ने उनकी रूह कब्ज़ की, गुसल दिया, कफन पहनाया, खुशबू लगाई, आपकी कब्र खोदी और लहद तैयार की। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने उनके बेटे हज़रत शीस अलैहिस्सलाम को नमाज़े जनाजा पढ़ने का तरीका बताया। आप अलैहिस्सलाम ने नमाज़े जनाजा पढ़ाई। आम तौर पर तारीखी कुतब में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक 960 साल बयान की गई है। कहते हैं आपको जबले अबी कबीस के घर गारे कंज में दफन किया गया। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बकौल हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने तूफ़ान के बाद कश्ती से उतर कर आपको बैतुल मुक़द्दस में दफन किया। हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम के बारे में भी बहुत सी रिवायात हैं कि आप भी आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात के 1 साल बाद ही इंतकाल फरमा गईं और उनके साथ ही दफन हुई। हमारी अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम को उम्मत मुसलमा की तरफ से बेहतरीन जज़ाए खैर अता फ़रमाए और हमें आदम व हव्वा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से सबक सीखने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। आज की वीडियो के मुतालिक अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। मुझे अगली वीडियो तक इजाज़त दें। फ़ी अमानिल्लाह।